हेमंत कैबिनेट में जांच एजेंसियों को लेकर लिए गए फैसले के बाद झारखंड की राजनीतिक सियासत गर्मा गई है। विपक्ष बीजेपी ने कैबिनेट के इस निर्णय की आलोचना करते हुए कहा कि ईडी से अधिकारियों को बचाने के लिए इस तरह का फैसला लिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि संवैधानिक संस्थाएं संविधान से चलती है, अधिकारी को बाहर एजेंसी का बुलावा आता है तो स्वाभाविक रूप से अपने उच्च अधिकारी से इस बात पर राय विचार करना जरूरी है कि आखिर वो अपने अधिकारियों को ईडी के सामने पेश होने से कोई दस्तावेजी सबूत देने से पहले सरकार से इजाजत लेने के लिए बाध्य क्यों कर रही है। क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया उसका हश्र ही हुआ कि वैसे लोगों का मनोबल ऊंचा हो गया और उन लोगों ने ईडी के अधिकारियों पर जानलेवा हमला किया। अब हेमंत सोरेन भी अगर पश्चिम बंगाल सरकार की राह चलना चाहते हैं तो उनकी मर्जी, लेकिन भ्रष्टाचारी जैसे एक एक कर पकड़े जा रहे हैं, सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है कि कहीं कोई पोल पट्टी ना खुल जाए, जो उन्होंने गलत काम किए हैं वो दस्तावेज के माध्यम से सार्वजनिक ना हो जाए और ईडी के अधिकारियों के हाथ कोई सबूत ना लग जाए कि सरकार के गले की फांस बन जाए। इसलिए अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को भरसक बचाने के प्रयास किया जा रहा है कि उनसे सीधे पूछताछ करने के बजाय अब मंत्रिमंडल सचिवालय से इजाजत लेनी होगी पूछताछ करने के पहले और दस्तावेज देने के पहले। संवैधानिक संस्थाएं संविधान से चलती है और अगर किसी भी अधिकारी को किसी बाहरी एजेंसी का बुलावा आता है तो स्वाभाविक तौर पे उस वो अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों से इस विषय पे बात करेगा, राय विचार करेगा, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और ये कोई नया निर्णय नहीं है। ये निर्णय शुरू से है कि कोई भी अधिकारी जो है अगर उसको बाहरी एजेंसी का बुलावा आता है तो वो अपने उच्च अधिकारियों से बात करेगा, उस पर उसका दिशा निर्देश लेगा, फिर उस एजेंसी का सामना करेगा। तो ये कहीं जांच में असर नहीं पड़ेगा, इससे कहीं कोई जांच में असर नहीं पड़ेगा। जो लोग इस बात को डाइवर्ट कर रहे हैं, हमें लगता है कि उन लोगों को जानकारी का अभाव है और सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा जो है वो लोग किसी भी चीज़ का भारतीय जनता पार्टी बनाने का काम करती है।